सो हे फ्रेंड्स, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फिरदौस। सो यस फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मैंने शुरू किया था थर्सडे यानी 20 अक्टूबर को, जहाँ पे था अब्बू का बर्थडे और अब्बू के एक दिन बाद आता है अफजल का बर्थडे। सो दोनों के सेलिब्रेशन के लिए एक ही केक लाया था और ये सेलिब्रेट हमने किया एक साथ। ये देखिए, काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ली है मैंने, वीडियो तो नहीं ली है। और केक कटिंग किया रात में, उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए डिनर के लिए। तो डिनर में भी हमें बहुत मज़ा आया, हम काफ़ी टाइम बाद जो है एक साथ डिनर के लिए गए थे। आई गेस इससे पहले हम जो है अमायरा की बर्थडे के टाइम गए थे और उसके बाद अभी जो है अफजल और अब्बू की बर्थडे के टाइम गए और बहुत अच्छे अच्छे यमी स्टार्टर्स, ग्रेवी सब खा के बहुत मज़ा आया। और ये एक अच्छी सी फैमिली फ़ोटो भी ले ली हमने। और उसके बाद हम गए आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि अमायरा का मन था आइसक्रीम खाने का। तो ग्रिल्स एंड राइस के ही जस्ट बाजू में थी आइसक्रीम की शॉप और वहाँ पे हमने जो है काफ़ी अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स ऑर्डर की अमायरा के लिए, मम्मी के लिए, अब्बू के लिए। और काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी यहाँ पे आइसक्रीम की, बहुत सारी चीज़ें थी। वॉफल था, जार केक था और हमने डेथ बाय चॉकलेट ऑर्डर किया। और एक साथ जो है हम बाहर बैठ गए और मम्मी और अमायरा अबू जो है वो खा चुके थे और अब हम लोग खा रहे हैं। अब अब्बू की बर्थडे सेलिब्रेट करते करते नेक्स्ट डे हो चुका, 12 बज गए और अफजल का बर्थडे भी शुरू हो गया। सो एक साथ दोनों चीज़ें हमने सेलिब्रेट कर ली। ये देखिए, अमायरा भी है मैडम और उसको ही बहुत शौक था कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है खानी है, तो उसके चाचू ने बोले नहीं आइसक्रीम तो खा के ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रात के 12 बजे एंजॉय कर रहे थे डेथ बाय चॉकलेट और जो कि था बहुत यमी। और यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाली। ये देखिए, अमायरा के दादा दादू और अमायरा की कितनी मस्त पिक्चर आई है। और फ्रेंड्स, ये सब होने के बाद मैं पहुँच गई घर और नेक्स्ट डे था फ्राइडे और ये हो चुकी है सुबह के, बज चुके हैं 6:30। और आज जो है मैंने मॉर्निंग शिफ्ट ले रखी थी बिकॉज मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग शिफ्ट करके और फिर मैं चली जाऊँगी एयरपोर्ट। और अभी सबसे बड़ा टास्क था मायरा को उठाना, तो मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मायरा को उठाने के लिए। और आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं मायरा को स्कूल छोड़ते हुए जाऊंगी। सो मैं जा रही हूँ मायरा को उठाने के लिए। सो अमायरा को उठाने से पहले मैंने सोचा कि पहले उसके यूनिफॉर्म वगैरह सब निकाल लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम अमायरा को उठाने। सो मैडम की सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं और अब मैं जाती हूँ मैडम को उठाने के लिए। चलो फटाफट, लास्ट पेपर है ना आज आपका, चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। सो आज था अमायरा का लास्ट पेपर और वो बहुत खुश थी, बहुत खुशी खुशी उठी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अमायरा जो है वो अच्छे से ही उठती है हमेशा, बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब वो परेशान करती है या फिर उसका मन नहीं होता, अदरवाइज़ हमेशा जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से उठ जाती है वो। सो अब उसका फटाफट से बाल बना लेंगे, उसे रेडी कर लेंगे और फिर मैं अमायरा को स्कूल छोड़ दूंगी और मैं चली जाऊंगी ड्यूटी पे। फिर ड्यूटी पे से आने के बाद का भी जो शेड्यूल है वो पूरा फिक्स है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, फिर एयरपोर्ट से आना है, फिर नेक्स्ट डे मुझे थोड़ी शॉपिंग करने भी जानी है। ईयरबड्स रखी हूँ मैंने कलर के अंदर, ठीक है। मैंने 3 कलर्स ही दिए आपको वाटर कलर। कौन से? मैं रेड है, ब्लू है और ग्रीन। हाँ शायद ग्रीन है। कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना मतलब कलर जो है ना, मतलब मम्मा उसमें रहेगा अंदर का, बस जहाँ पे उसको स्टिकर आएगा वहीं पे आप
जहाँ पे जैसे डिजाइन अगर बनी रहेगी ना दिया हाँ, में तो उसके ऊपर ही करनी है। हाँ तो क्या करना, जो स्टिकर दी हूँ ना हाँ? पहले तो वो देखना चिपका के, अगर वो चिपक गया तो अच्छी बात है। मम्मा अगर जो सर्कल रहेगा उस पे सर्कल की बिंदिया लाके उस पे सर्कल आना है, और जो हाँ? जो फ्लावर वाला है वो उसको फ्लावर से दिखाना है, जो हार्ड वाला है जो उसमें नहीं है उसको वो कॉटन से पेंट कलर से करना है। हाँ तो कॉटन क्या करना, आप ईयरबड को कलर में डिप करना और फिर उसके बाद दिया के ऊपर डॉट 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 जैसा आपको समझ में आए कर देना। आपको ब्रश से करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कलर के अंदर ईयरबड दी हूँ आपको, आप उससे कर लेना ठीक है। कलर डाले हो? कौन सा कलर? वाटर कलर। वाटर कलर डाली हूँ ना बेटा, ग्रीन भी डाले ना। मम्मा तो 2 बजे सोए सब करके, चलो जल्दी आके जाओ। ऐसे मानती है मम्मा गंदा सा? गंदा है ये? मैं अच्छा बांधी हूँ मैंने, बोले गंदा है ये करती है। अभी आ जाएंगे 4:30 तक, मैं आ जाऊंगी 4 बजे तक, फिर अपने एयरपोर्ट जाएंगे। वो सही में ट्रेन से? नहीं, पापा बाइक पे लेके डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे ना। मामी इधर आएंगे? हाँ मामी नाना लोग सब गाड़ी करके एयरपोर्ट आएंगे ना, उसके बाद डायरेक्ट निकल जाएंगे अजमेर। अजमेर अभी नहीं जा रहे, अजमेर बाद में जाएंगे बेटा। 2 महीना अभी तो मामी ये जा रहे सऊदी जा रहे ना। तो मामी और मामा और मास भाई अनाया नानी नाना और तो तुम और मैं चलेंगे वसई। वसई अभी अपन जाएंगे ही नहीं, पापा अपने को एयरपोर्ट लेके जाएंगे, एयरपोर्ट से नाना नानी अपने घर जाएंगे, हम लोग अपने घर आएंगे, समझे आप? समझे क्या? तुमको वैसे ही जाने का? अभी तुम्हारी छुट्टी हो गई है ना, तुम मस्त यहाँ पे खेलने वाली हो। रेडी हो चुकी है और अब मामा जाएगी अमायरा को छोड़ के काम पे। सेलाफिस, हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर के बाद जब मामा काम से आ जाएगी, अमायरा स्कूल से आ जाएगी, फिर हम लोग वापस से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ओके
अमायरा को स्कूल छोड़ के मैं यहाँ पे हलवा पराठा लेने आ गई और अब मैं यहाँ से जाऊँगी हॉस्पिटल, जो कि मैं पहुँच गई हूँ, और अब हम ड्यूटी के बाद मिलेंगे घर पे। अब मैं आ चुकी हूँ घर और मैडम अमायरा जो है यहाँ पे सो रही है और बज चुके हैं 4:30 और अब हम रेडी होके निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। हम रेडी होके निकल चुके हैं और अमायरा के डैडी तो ड्यूटी से आते ही जो है निकल गए हैं, बिल्कुल भी उन्हें फ्रेश होने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि 5:30 बज चुके हैं और अभी हमें पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली और फाइनली हम पहुँच चुके हैं, 7:10 हो चुके हैं और अब हम लिफ्ट में हैं, जा रहे हैं ऊपर। यस, फाइनली हम आ गए हैं ऊपर और ये देखिए अनाया कितनी खुश लग रही है माशाल्लाह। दोनों बहनें काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हैं और दोनों की बात ही नहीं ख़त्म हो रही है, दोनों का डिस्कशन चल रहा है, तुम कहाँ जा रही हो, मैं कहाँ जा रही हूँ। अमायरा कह रही है तुम दुबई जा रही हो, अनाया कह रही है नहीं मैं दुबई नहीं जा रही हूँ, मैं सऊदी जा रही हूँ अब्बू के पास। ये हमारे मास भाई भी सामान लेके खड़े हैं, अब्बू एकदम टेंशन में क्योंकि सामान भी काफ़ी ज़्यादा है और भाभी भी पहली बार बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, सो अब्बू बहुत ज़्यादा वरीड हैं। तो ये देखिए अभी उन लोगों के जाने का टाइम भी हो चुका है और भाभी जा रहे हैं लाइन में। फाइनली भाभी अंदर जा चुके हैं बच्चों के साथ और यहाँ पे जो है अम्मी अब्बा और अमायरा की डैडी का डिस्कशन चल रहा है और अभी अम्मी अब्बा भी निकलेंगे क्योंकि उन्हें वसई जाना है, उन्हें भी काफ़ी देर हो जाएगा और हम भी निकलेंगे। अमायरा को भी भूख लग गई है, हम सब जा रहे हैं बाहर और अम्मी अब्बा जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और हमने सोचा हम अमायरा को पहले बर्गर खिला देते हैं तो हम यहाँ पे बैठ गए। अब अमायरा आराम से बर्गर खाएगी और उसके बाद हम निकलेंगे घर की तरफ। अमायरा यहाँ पे जो है डैडी को बर्गर ऑफर कर रही है पर उसके डैडी को नहीं खाना है बिकॉज़ वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि जस्ट ड्यूटी से आए हैं, बैग रखा है और हमारे साथ एयरपोर्ट निकल गए हैं। आपका पेट भर गया? नहीं ना, पानी है। अमायरा का बर्गर खा के हो चुका और अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं नीचे पार्किंग की तरफ। अमायरा की मस्ती तो कभी ख़त्म होने से रही और अब हम जाएंगे, कल भी ड्यूटी है, अमायरा के डैडी की तो मॉर्निंग शिफ्ट है और मुझे थोड़ा शॉपिंग करने जाना है। हम पहुंच चुके हैं बाइक पार्किंग एरिया में और जा रहे हैं घर। 1 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर। घुटना घुटना क्यों फट जाएगा? अभी आपने भाग भाग के गए थे ना एयरपोर्ट पे, इसलिए आपका नहीं, मम्मा जब से नहीं दुख रहा था मेरा घुटना, अब जब मैं खेलने गई ना। फ्रेंड्स, काफी ज्यादा थकन हो चुकी है और चलते हैं सोने और व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें।